नामदेव जी महाराज साधुवन के संग कुटिया में संकीर्तन कर रहे हैं। रात को प्यास लगाई, एक साधु ने कहा प्यास लग रही है, पानी ले आ। पास में पीपल को पेड़, वहां पे कुआ, पीपल के पेड़ पे प्रेत रहता था। बाबा को मालूम, बाबा ने हाथ जोड़ के कर दिया, मुझे प्यास नहीं लग रही, तुम्हें लग रही है, तुम ही ले आओ। बाबा ने दूसरी तरफ कही पानी ले आओ। दूसरो बाबा बोलो, रात्रि असुर वेला है रखी है, मैं तो ना जाऊं। तीसरे से कही चले जाओ, ना गए। आखिरी में घूमते घूमते नामदेव जी महाराज पे आ गई। नामदेव जी महाराज नामदेव है, हरि नाम के जातक है। बिट्ठला 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 करते हुए महाराज पहुंच गए पानी भरने के लिए। बाल्टी डाली अंदर, बाल्टी डाली, आराम से बाहर निकालने लगे। पानी बाहर निकाला, प्रेत आ गया, हा 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 करता हुआ। नामदेव जी ने बाल्टी छोड़ी, नृत्य करने लगे। जय गोविंद हरे मुरारे नृत्य करने लगे। ठाकुर जी प्रकट हुए, अबे बेवकूफ, प्रेत देख के काय का वो कर रहे हो नृत्य? महाराज आप ही तो प्रेत हो, आप ही तो प्रेत हो। बोले मैं कहा प्रेत हूं? बोले फिर प्रकट कैसे हो गए प्रेत में से? कैसे प्रकट हो गए आप प्रेत में से? ठाकुर किस रूप में आ जाए क्या पता। जंगल में बैठा हुआ एक साधु बारंबार कहे, ठाकुर जी तुम्हारे लिए भोग बनाया है, आने पाओ आके, तभी कुत्ता आवे और कुत्ता ले लेके कंकड़ मार मार के भगावे। एक घंटा हो गया, ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी ने प्रकट होके कही, कुत्ता बन के बार बार आ रहा हूं, तू डंडा मार के भगा रहा है। किस भाव में आ जाए ठाकुर?